करेला अपने गुणों के लिए कम जाना जाता है, अपने कड़वे स्वाद के लिए ज़्यादा जाना जाता है, परंतु जब से लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियां शरीर को घेरने लगी हैं तब से करेले का प्रयोग इसके कड़वे स्वाद की बजाय इसके मीठे गुणों की वजह से होने लगा है। करेले का प्रयोग मधुमेह में यानी डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी है। यह आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिवर के लिए यह बहुत ही अच्छा है। करेले के प्रयोग से स्किन संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जितने भी चर्म रोग होते हैं, इनमें फ़ायदा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेले के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि करेले का प्रयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है, करेले के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जा सकता है। तो करेले से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, 6 स्वाद बताए गए हैं, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा और कसैला। हमें मीठा बहुत पसंद है, हमें खट्टा बहुत पसंद है, हमें नमक भी पसंद है, हमें तीखा भी पसंद है, परंतु कड़वा और कसैला रस कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहता। किसी को भी कड़वा और कसैला रस पसंद नहीं है। और जब इन रसों का इम्बेलेंस होता है, यानी कि जब किसी रस की शरीर में कमी होती है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में व्याधि उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में इन्हीं 6 रसों के साम्य से ही दोष भी साम्य रहते हैं, और जब दोष साम्य रहते हैं तो शरीर किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। तो 6 रसों की पूर्ति के लिए हमें कड़वा रस और कसैले रस का भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि करेले में पाए जाते हैं। अब मैं आपको करेले के गुण बता देता हूँ। तो करेला लघु है और रुक्ष है, यानी शीघ्र ही पचने वाला है, शरीर में लघुता हल्कापन पैदा करने वाला है और शरीर में रूखापन लाने वाला है, शरीर में रुक्षता लाने वाला है। इसके अलावा यह स्वाद में तीखा है और कड़वा है, यह तो सभी जानते ही हैं कि यह स्वाद में कड़वा है और तीखा भी है। और करेला उष्णवीर्य है, यानी इसकी तासीर गर्म होती है, और गर्म तासीर का होने के कारण ही यह उत्तम कफ शामक है, यानी कफ दोष का शमन करता है। कफ दोष के शमन के लिए करेला बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा करेला पित्त शामक भी है, यानी पित्त दोष का भी शमन करता है, और उष्ण होने के कारण यह वात दोष का वर्धन नहीं करता है, यानी वात दोष को बढ़ाता भी नहीं है। तो यह प्रबल कफ शामक है, पित्त शामक है, और वायु को न बढ़ाता है और न वायु का शमन करता है। करेला दीपन है, पाचन है, यानी करेला आपकी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है, आपकी भूख को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा करेला कृमिघ्न भी बताया गया है, यानी जिन लोगों को पेट में कीड़ों की समस्या रहती है, पेट में कीड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए भी करेला फायदेमंद है, करेला कीड़ों को ख़त्म करने वाला है। इसके अलावा यह पित्तसारक है, यानी पित्त दोष का शमन करके पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालता है, और जिन लोगों को आम दोष की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए जिनके पेट में आम ज़्यादा बनती है, उन लोगों के लिए भी करेला एक बहुत ही अच्छी सब्जी है, बहुत ही उपयोगी औषधि है। करेले के प्रयोग से यकृत और आमाशय की क्रिया सुधरती है। यकृत को यह उत्तेजित करता है, जिससे पाचक रस अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं और पाचन शक्ति आपकी बढ़ने लग जाती है। इसके साथ ही साथ करेला फैटी लिवर की समस्या में भी बहुत ही उपयोगी है। फैटी लिवर की समस्या आजकल बहुत बढ़ती चली जा रही है, उस समस्या में भी करेला बहुत ही उपयोगी रहता है। करेला मेदोहर भी है, यानी जो भी आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी होती है उसे कम करने वाला भी है, यह मोटापे को कम करने के लिए बेहद ही उपयोगी है। करेले के प्रयोग से आम दोष का भी पाचन होता है, जिन लोगों को चिपचिपी लेटरन आने की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी करेला बहुत ही उपयोगी है, यह आम का पाचन करके पाचन शक्ति सुदृढ़ करता है। करेला उत्तम कफ शामक है, और उत्तम कफ शामक होने के कारण ही जिन लोगों को खांसी की समस्या रहती है या जिन लोगों को सांस फूलने की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी करेला बहुत ही उपयोगी रहता है।
करेले को उत्तम रक्त शोधक कहा गया है, यानी यह रक्त की शुद्धि करता है, खून को साफ करता है। इसके अलावा करेले को कुष्ठग्नि भी कहा गया है, यानी चर्म रोगों से संबंधित जितनी भी समस्या होती हैं, त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्या होती हैं, उन समस्याओं में करेला बहुत ही उपयोगी है। करेले में जो तिक्त रस पाया जाता है, जो कड़वा रस पाया जाता है, वह प्राकृतिक रूप से रक्त शोधन का कार्य करता है, रक्त की शुद्धि करता है और आपके शरीर में होने वाले चर्म रोगों से, आपके त्वचा संबंधी रोगों से आपका बचाव करता है। इसके अलावा करेला शोतग्न भी है, यानी शरीर में सूजन को यह कम करता है। यह दाह प्रशमन है, शरीर में कहीं भी जलन की समस्या रहती है, दाह की समस्या रहती है, उसको भी कम करने में करेला बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा आज के समय में करेले का सबसे ज़्यादा प्रयोग मधुमेह में किया जा रहा है, डायबिटीज़ में किया जा रहा है, और डायबिटीज़ के ये बहुत ही उत्तम औषधि है, बहुत ही कारगर औषधि है। करेले का प्रयोग आपके पेनक्रियास को उत्तेजित करता है और जिससे कि इंसुलिन का प्रवाह बढ़ने लगता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे आपके रक्तगत शर्करा यानी जो ब्लड शुगर होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, वह नियंत्रित होने लगती है। तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए या जिन लोगों को इवन मोटापा की भी समस्या हो, उन लोगों के लिए भी करेला एक बहुत ही उपयोगी औषधि है, बहुत ही उत्तम औषधि है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि करेले का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सामान्य लोग तो करेले की सब्जी बनाकर करेले का प्रयोग कर ही सकते हैं, परंतु जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हों या मधुमेह से पीड़ित हों या मोटापा से पीड़ित हों या जो लोग औषधि के रूप में करेले का प्रयोग करना चाहते हों, उनके लिए मैं करेले का प्रयोग बता देता हूँ। उन लोगों को करेला लेना है और करेले को काट कर उसे छाया में शुष्क करना है, धूप में शुष्क नहीं करना है, धूप में सुखाना नहीं है, छाया में सुखाना है। धीरे धीरे 3-4 दिन में 5 दिन में यह करेला सूख जाएगा। जब करेला अच्छी प्रकार से सूख जाए तो उसे अच्छी प्रकार से पीस लेना है, उसका बारीक चूर्ण तैयार कर लेना है। इस चूर्ण का आधी चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा में, लगभग 2.5 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में आपको प्रयोग करना है, सुबह शाम और ताजे पानी के साथ आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार आप लगातार प्रयोग करेंगे तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी और आपके मोटापे में भी आराम मिलेगा। इसके अलावा इसका ताज़ा जूस बनाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। करेले का 1 से 2 करेले का ताज़ा जूस बनाकर इसका सुबह शाम प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा करेले के जूस में आप आंवला रस मिलाकर भी करेले का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि करेले के प्रयोग के संबंधित क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो जो लोग शुगर की दवाइयाँ ले रहे हों या ब्लड शुगर से पीड़ित हों, उन लोगों को अपनी ब्लड शुगर नियमित रूप से चेक करनी चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को काफ़ी तेज़ी से नीचे गिराता है। तो ऐसा ना हो कि इसके प्रयोग से आपकी ब्लड शुगर कम हो जाए और आप लो ब्लड शुगर से पीड़ित हो जाएँ और आपकी ब्लड शुगर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए। तो आपको नियमित रूप से अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसके प्रयोग से थोड़ा सा बचना चाहिए, प्रेगनेंसी के समय इसका प्रयोग कम करना चाहिए। इसके अलावा करेले के प्रयोग से कुछ लोगों में पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, इस तरह की भी समस्या देखने को मिलती हैं। तो अगर आप करेले का प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेकर ही करेले का प्रयोग करेंगे। तो आपको करेले के विषय में यह जानकारी कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आयुर्वेद संबंधित किस विषय पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह भी मुझे कमेंट करके कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं उस विषय पर जानकारी दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।